मुसलमानों को बदनाम करने की सभी साजिशें हुई नाकाम, गोदी मीडिया और अंधभक्तों के एजेंडे की खुली पोल। आइए आपको बताते हैं मुसलमानों के खिलाफ रची गई षड्यंत्र की सच्चाई। इस देश के कई लोगों को हर दुर्घटना, हर अपराध, हर समस्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने में जैसे अजीब सुख मिलने लगा है। हालिया मामला बालासोर ट्रेन दुर्घटना का था और अब गोरखपुर से लखनऊ जा रही वंदे भारत पर अयोध्या के पास पथराव का मामला है। बालासोर में अफवाह उड़ाई गई कि दुर्घटना स्थल के पास एक मस्जिद थी, पता चला वो मंदिर है। फिर अफवाह उड़ी कि एक मुस्लिम इंजीनियर लापता है। रेलवे ने सफाई दी कि कोई लापता नहीं है। ऐसे ही वंदे भारत पर पथराव में ऐसी तस्वीरें शेयर की जाने लगी जिसमें पीछे मस्जिद दिखती है। कई लोग मुस्लिमों को कोसने लगे, जबकि पुलिस पहले ही बता चुकी थी कि मुन्नू पासवान की 6 बकरियां ट्रेन से कट गई थी, इसलिए गुस्से में उसने अपने बेटों अजय और विजय के साथ मिलकर वंदे भारत पर पत्थर फेंके। चिटके फूटे कांच के पीछे मस्जिद दिखने वाली इन तस्वीरों पर HD का लोगो है। ये कुछ ट्वीट बस एक बानगी भर है। वैसे इन स्क्रीनशॉट वाले योयो फनी सिंह ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। ऐसे ही अक्सर कई लोग मुस्लिमों को गद्दार और पाकिस्तान परस्त बोल देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले DRDO के बड़े वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को पाकिस्तानी एजेंट को गोपनीय जानकारी देने के मामले में पकड़ा गया था। एक दिन पहले वित्त मंत्रालय के लिए काम करने वाले नवीन पाल को पकड़ा गया। नवीन पर पाकिस्तानी को गोपनीय दस्तावेज देने का आरोप है, लेकिन इससे कोई हिंदुओं को गद्दार नहीं बोलता। बोला भी नहीं जाना चाहिए, अपराधी किसी धर्म का होगा तो इससे अपराध में उस धर्म का लेना देना हो ये जरूरी नहीं। नफरत फैलाने का हमेशा एक उद्देश्य होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जनता ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों को ट्रोल किया है। एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा, मुसलमान शब्द अंधभक्तों के लिए ऑक्सीजन बन गया है, जब तक बोले ना जिंदा नहीं रह सकते। एक और ने अंधभक्तों के बारे में कहा, OCD ये एक मानसिक बीमारी है जिसके अनेक लक्षण हो सकते हैं, किंतु इसका एक लक्षण किसी व्यक्ति या धर्म विशेष से अत्यधिक नफरत या घृणा हो जाना होता है। ऐसे रोगियों की तादाद बढ़ रही है जिसका जिम्मेदार मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। इस बीमारी में नींद में भी हिंदू मुस्लिम दिखता है। एक ने लिखा, सुदर्शन का सुरेश चौहान के तो टमाटर महंगे होने के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहा था। मुसलमानों के खिलाफ लोगों में जहर भर देने वाले अंधभक्तों के इस षड्यंत्र को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।